हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 27 अगस्त दिन रविवार है, वही हिंदी में ना सावन और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के 54वें जिले पांडुरना का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्रदेश में पहले से 52 जिले थे, 53वां जिला रीवा का मऊगंज और 54वां जिला छिंदवाड़ा का पांडुरना। दोस्तों रीवा जिले से विभाजित करके मऊगंज जिला बनाने के बाद अब मध्य प्रदेश में 53 जिले हो गए हैं और 54वें जिले की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार उज्जैन की नागदा तहसील को जिला बनाया जाना था, परंतु उससे पहले छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना तहसील को जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील को जिला बनाने की घोषणा के 24 घंटे के अंदर ही जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई। जिला बनाने को लेकर तमाम तरह की शासकीय प्रक्रियाएँ भी तेज हो गई हैं। विभागीय अधिकारियों से 30 दिन के अंदर दावे आपत्तियां मांगी गई है। साथ ही पांडुरना को जिला बनाने को लेकर सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना को जिला बना दिया जाएगा, क्योंकि यह कमलनाथ जी का गढ़ है और बीजेपी यहाँ पर फतह हासिल करना चाहती है, इसलिए सारी प्रक्रियाएँ बहुत तेजी से हो रही हैं। दोस्तों समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी में नर्मदापुरम जिले में हुआ है बड़ा घोटाला। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में ग्रीष्मकालीन सरकारी मूंग खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। करणपुर स्थित वेयरहाउस पर केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने मिलकर करीब 5,57,00,000 रुपए की 7,346 कुंटल अमानक मूंग का घोटाला किया है। इस मामले में सुहागपुर के कृषि विस्तार अधिकारी आरएस राजपूत ने केंद्र प्रभारी और दो सर्वेयरों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सबसे ज़्यादा खरीदी और सबसे ज़्यादा पैदावार नर्मदापुरम जिले में ही होती है। मूंग खरीदी में धांधली, अमानक मूंग खरीदने व रुपये मांगने की शिकायत भी नर्मदापुरम जिले में ज़्यादा ही होती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर डोलरिया, बनखेड़ी, पिपरिया व सुहागपुर में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, जिसमें कुछ जगह विभाग द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई हैं। इस प्रकार कर्मचारी मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, जिसमें सरकार को बदनाम होना पड़ता है। दोस्तों कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। इस रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर बंधेगी अब धान की राखी। उस पर लिखा हुआ होगा किसान का नाम। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। इसे लेकर नई सोच के साथ धान की बालियों से राखी बनाई जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले की बेटी नंदनी बघेल ने कलात्मक विचार से धान से राखी बनाई है, जिसकी लोग खूब सराहना कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन के मौके पर भाई की कलाई पर धान से बनी राखियां देखने को मिलेंगी। हालांकि नंदनी ने कहा कि धान से राखी बनाने के लिए बाजार से केवल रिबन और रंग की खरीदी की जाती है। एक राखी के बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और समय लगता है, इसलिए उन्होंने बाजार में एक राखी की कीमत 50 रुपये रखी है। यह पहली मर्तबा है कि उन्होंने धान से राखी बनाई है और यह लगभग 500 राखी बनाई गई है। नंदनी ने कहा कि इसमें धान के अलावा चावल, मोती, कौड़ी, स्टोन से खूबसूरत रंग बिरंगे धागों से सजी राखियों का निर्माण किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में भी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अच्छी बिक्री होने पर अगले वर्ष अधिक मात्रा में राखियाँ बनाई जाएगी, जिससे पूरे देश में इसका चलन बढ़ेगा। दोस्तों शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। जातिगत समेत सभी समीकरणों को साधते हुए शिवराज सरकार ने 3 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी है। आपको बता दें कि मंत्रियों में सबसे पहला नाम महाकौशल के बालाघाट से विधायक व पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी का है। दूसरा विंध्य क्षेत्र से राजेंद्र शुक्ला जी का है और तीसरा बुंदेलखंड से राहुल लोधी जी ने शपथ ली है। इन तीनों में से राहुल लोधी जी को राज्य मंत्री बनाया गया है, वहीं बाकी दोनों विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में पटवारियों का आंदोलन जारी हो गया है। 28 अगस्त से
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं पटवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। वेतन में बढ़ोतरी, भत्ते एवं पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर 3 दिन अवकाश के बाद आज शनिवार को प्रदेश भर के 19,000 पटवारी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं पटवारियों का कहना है कि इसके बाद भी अगर सरकार मांगों का निराकरण नहीं करती तो तृतीय चरण में अर्थात 28 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। दोस्तों, लाडली बहनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश की 125,000 लाडली बहनों को रविवार को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। 27 अगस्त अर्थात आज सभी लाडली बहनों को रक्षाबंधन का एक तोहफा मिलने वाला है। इसके लिए रविवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे और इस दिन कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। मीडिया सूत्रों से खबर आ रही है कि इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना की राशि बढ़ाने का भी ऐलान कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा मिलेगा। दोस्तों, मोबाइल में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी का व्यापार जोरों से चल रहा है। मुख्य सरगना हुजैफा जमाली और उसके दो सहयोगी इसको लेकर गिरफ्तार हो गए हैं। दोस्तों, एसटीएफई ऑनलाइन ट्रेंडिंग ऐप के जरिए रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले सहित राजस्थान में सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा शहर थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इन फर्जी ऑनलाइन ट्रेंडिंग ऐप को जब्त करवा दिया। इसके अलावा चौन नेटवर्किंग के मास्टरमाइंड हुजैफा जमाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पौंजी स्कीम चलाने के मामले में प्रकरण दर्ज भी कर लिया गया है। इस प्रकार सावधान रहिएगा, किसी भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक न करें, अन्यथा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से अब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। समाजवादी पार्टी ने सीधी जिले की धोनी विधानसभा सीट से विश्वनाथ सिंह मरकाम जी और चितरंगी विधानसभा सीट से श्रवण कुमार गोंड को प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले सपा ने 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी। इसमें निवाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव, छतरपुर के राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल जी, वहीं दतिया जिले के भांडेर विधानसभा सीट से सेवानिवृत्त जज आरडी राहुल जी और भिंड जिले के मेहगांव से ब्रजकिशोर सिंह जी गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया है। इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार ही फर्स्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र फर्स्ट है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस विकास को लेकर भाजपा के सामने कहीं पर भी नहीं टिक सकती, इसलिए भ्रम फैलाती है और दुष्प्रचार करती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए परिवार फर्स्ट है जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सबसे पहले आता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।